क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज का जो सब्जेक्ट है या फिर आज का जो मेरा सर्मन का जो टाइटल है वो है हियर आई एम, आमी एखाने, बा एखाने आमी। पुरातन नियमे कतगुलो बई आछे? 39। ভেরি গুড, সবাই তালি দেব একটু বাচ্চাদের জন্য। সো পুরাতন নিয়মে টোটাল 39 বা 39টা বই রয়েছে। আর এই 39টা বইকে বোঝার জন্য চারটে ভাগে কি করা হয়, ভাগ করা হয়, যেন বুঝতে সুবিধা হয়। প্রথম যে পাঁচটি বই আছে, ফার্স্ট ফাইভ বুকস, আদি পুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ, ইয়ে যে পাঁচ বুক হ্যায় পুরানা নিয়ম কাজ সবসে পহলা যে পাঁচ বুক জিসে ব্যবস্থা বিবরণ ইয়া ফির টোরা ভি কাহা জাতা হ্যায় ইয়া ফির ইসে গ্রিক মে পেন্টা টিউক কাহা জাতা হ্যায়। পেন্টা মতলব হোতা হ্যায় ফাইভ এন্ড টিউক মতলব হোতা হ্যায় স্ক্রল। তো পাঁচটি বই বা পাঁচটি স্ক্রল মিলে কি হয়, পেন্টা টিউক। আর হিব্রুতে বলা হয় টোরা, আর বাংলাতে আমরা বলে থাকি ব্যবস্থা পুস্তক বা মোশির লেখা বই। এরপরে আমরা এই যে 39টা বইয়ের মধ্যে যে প্রথম পাঁচটি বই যেটাকে মোশির পুস্তক বলা হয়, যেগুলোকে বা আমরা পেন্টাটিউক বলছি বা টোরা বলছি, সেই বইগুলির সেই ভাগের মধ্যে থেকে আজকে আমরা যে প্রথম বই সেটার নাম কি, জেনেসিস বা উৎপত্তি কা কিতাব, ইয়া ফির বাংলাতে আমরা বলে থাকি আদি পুস্তক। ইস কিতাব সে হাম লোগ সিখনে কে লিয়ে যা রহে। ইস কিতাব কা নাম হাম লোগ দেখেঙ্গে তো হিব্রু মে ইসে কাহা জাতা হ্যায় বারাশিত। ক্যা কাহা জাতা হ্যায়? বারাশিত। বারাশিত কা অর্থ ক্যা হোতা হ্যায়? বারাশিত কা অর্থ হোতা হ্যায় ইন দ্য বিগিনিং, অর্থাৎ আদি। আজ হাম বারাশিত অর্থাৎ ইন দ্য বিগিনিং, উৎপত্তি জেনেসিস ইয়া ফির আদি পুস্তকের বই থেকে আমরা শিখব 22 অধ্যায় 1 থেকে 14 পদ। আর এইখানে একটা খুবই পরিচিত ঘটনা দেওয়া রয়েছে, সেই ঘটনাটা কি হচ্ছে, আব্রাহামের মহা পরীক্ষা। আব্রাহামস ফেইথ কনফার্মডিং। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। एक दिन परमेश्वर का मन हुआ कि वो क्या करेगा, अब्राहम का वो परीक्षा लेगा। एक दिन परमेश्वर को मन हुआ कि वो अब्राहम का परीक्षा लेगा। अचानक आज एक बात बताइए, এই তোমরা যারা যারা স্কুলে পড়ো, যদি হঠাৎ করে তোমাদের টিচার আজকে রাত্রে বলে দেয় যে কালকে পরীক্ষা হবে, তোমরা কি হবে, তোমাদের মাথায় বজ্রাঘাত, তাই নয় কি? আপ লোক ক্যা করেঙ্গে? গুসা হয়ে যায়ঙ্গে টিচার কে উপর। কিউ? অনেক রকম কথা, তারপরে বন্ধুদের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে আলোচনা, হ্যাঁ বল না টিচারটা কিরকম, না জানিয়ে হঠাৎ করে বলছে পরীক্ষা নেব, হ্যাঁ কি নেই? लेकिन क्या अब्राहम के दिल में ऐसा सोच विचार था परमेश्वर के लिए? He was always ready. अब्राहम परमेश्वर के लिए हर समय वो रेडी रहता था। एक दिन परमेश्वर का मन हुआ कि वो अब्राहम का परीक्षा लेगा, और अब्राहम भी तैयार था इस परीक्षा के लिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम को पुकारा तो अब्राहम ने क्या कहा, Here I am. देख प्रभु मैं यहां हूं। आज परमेश्वर अगर आपको बुलाए तो आप क्या कहोगे, मेरा समय, बाइबल स्टडी में आओ, मैं बिजी, सहभागिता में आओ, प्रभु मैं नहीं हूं। मैंने एक बहन से कहा, एक बहन मेरे को कॉल की, उसने कहा कि मेरे जीवन में बहुत से ऐसे समस्याएं हैं भैया, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा कि हाँ मैं प्रार्थना तो जरूर करूंगा, लेकिन आप सहभागिता में आइए, आपको परमेश्वर के निकट आना जरूरी है, आप परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता कीजिए, तभी आपके जीवन में जितने समस्या है
आप उसके ऊपर विजय पा सकते हैं, उसके ऊपर उन परिस्थितियों के साथ आप लड़ सकते हैं। उसने कहा कि ठीक है भैया, आप मुझे लिंक भेजिएगा, मैं ज्वाइन करूंगा। लेकिन उसके पास समय नहीं है, दिन बीतते जा रहा है और हर दिन उसके पास एक नया क्या होता है, बहाना होता है। आज लोगों के पास परमेश्वर को रिप्लाई करने का कि देख प्रभु मैं यहां हूं, समय नहीं है। क्या आप कह सकते हैं जब परमेश्वर आपको बुलाए, जब प्रभु यीशु आपको बुलाए, तब क्या आप कह सकते हैं कि देख मैं यहां हूं? क्या आपको पता है सामुएल को भी परमेश्वर ने एक बार बुलाया, एक बार नहीं कितना बार, दो बार, तीन बार। उसको समझ में नहीं आ रहा, छोटा बच्चा है और वो दौड़ करके अपने आत्मिक पिता के पास जाता है, एली के पास, और बार बार जाकर के कहता है कि क्या आपने मुझे बुलाया? तो एली को लास्ट में समझ में आता है कि परमेश्वर इसे बुला रहा है। ईश्वर आहोबान दुई धरनेर होय, दो तरीके का कॉलिंग होता है परमेश्वर का। एक होता है जनरल कॉलिंग और दूसरा है स्पेशल कॉलिंग। जनरल कॉलिंग क्या है, আমরা হয়তো বাইবেলের সে অংশটা জানি, আহুত সকলেই, আমরা শুনেছি তো। আহুত সকলে মানে কি, পরমেশ্বর নে সবকো বুলায়া হ্যায় আর ইসে কাহা জাতা হ্যায় জেনারেল কলিং। আপ আ সকতে হ্যায়, আপ ভি আ সকতে হ্যায়, আপ ভি আ সকতে হ্যায়, পরমেশ্বর নে সবকো বুলাহট দিয়া হ্যায়। লেকিন এক অর কলিং হোতা হ্যায়, এক অর বুলাহট হোতা হ্যায়, আরেকটা আহ্বান আছে যেটাকে বলা হয় স্পেশাল কলিং। সেটা সবাই পায় না, সেটা আমি পেয়েছি, সেটা পাস্টার পেয়েছেন, ইনি পেয়েছেন, বুঝতে পারছো? সেটাকে বলা হয় স্পেশাল কলিং। লেকিন বললে কা মেরা মতলব, আপকো বললে কা মতলব ইয়ে হ্যায় কি কলিং চাহে জেনারেল হো ইয়া স্পেশাল হো, কি আপ পরমেশ্বর কো ইয়ে কহ সকতে হ্যায় কি প্রভু দেখ मैं यहां तेरे लिए अवेलेबल हूं, तू मुझे जब भी बुलाए मैं अवेलेबल हूं, तेरे काम के लिए मैं अवेलेबल हूं, चाहे मैं जितना भी बिजी क्यों ना हो, मेरा शेड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना रहे, मेरे पास हजारों काम क्यों ना रहे, लेकिन जब तू मुझे बुलाएगा मैं कहूंगा देख मैं यहां हूं, हियर आई एम। क्या आप तैयार है परमेश्वर को ये कहने के लिए? बहुत कठिन है, इसीलिए सोच समझ करके हाथ उठाइए और अपने मन मन में कीजिए, कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैंने इतना दिन बहुत बहुत मैंने आपको धोखा दिया है, आपने मुझे बहुत बार बुलाया लेकिन मैंने कहा कि प्रभु मैं यहां नहीं हूं। হয় না কখনো কখনো, এই কোথায় আছিস রে, আমি বোম্বে আছি, বোম্বেতে আছি। আমি একজন ব্যক্তিকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ও বলছে আমি কলকাতায় আছি, পুরুলিয়াতে দাঁড়িয়ে কলকাতায় আছি। হতা না এসম বহুত বার ক্যা করতে লোগো সে কেতে হ্যায় না, তুম ভি ইসি তরহ সে পরমেশ্বর কো ধোখা দে রহে হ্যায়। आज अगर परमेश्वर आपको बुलाए तो क्या आप रेडी है कहने के लिए कि देख प्रभु मैं यहां हूं, देख मैं यहां हूं? हालेलुया। विश्वासियों का पिता वो क्यों कहलाता है पता है? क्योंकि वो हर समय परमेश्वर के लिए अवेलेबल था, और जब भी परमेश्वर उसे पुकारता तब भी वो कहता है कि देख मैं यहां हूं। आज अगर आपको परमेश्वर आकर के पुकारे और बोले मेरे बेटे मेरा बेटी, तो आप कहना कि प्रभु बोल तेरा दास सुन रहा है। बोलना ऐसा कि देख प्रभु मैं यहां हूं, तेरा जो आज्ञा है मुझसे कह दे, मैं उनका पालन करूंगा। चलिए आगे बढ़ते। उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे जो पुत्र दिया है जिसका नाम है इसहाक, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया था अब्राहम से, क्योंकि अब्राहम का जो स्त्री सारा वो तो बांझ थी,
इन दोनों का कोई भी संतान नहीं था, तो परमेश्वर ने इनसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आई विल ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, मैं तुम्हें एक संतान के द्वारा ब्लेस करूंगा, मैं तुझसे एक बहुत बड़ा जाति निकालूंगा। और इसहाक था वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा जाति निकालने वाला था। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम बूढ़ा हो गया था 100 साल की उम्र में, और सारा का उम्र कितना था 90 साल में, परमेश्वर ने क्या किया, इन्हें एक बच्चा दिया। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास संतान का सुख नहीं है, आपको कैसा लगेगा? जिनके पास संतान नहीं है जाके उनसे पूछो, उन्हें कितना दर्द होता है, उन्हें कितना दुख होता है कि काश हमारा भी एक होता, हम भी खेलते हैं किसी के साथ, हम भी किसी के साथ समय बिताते हैं, है कि नहीं? बहुत से लोग जाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं पास्टर से, हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हमें एक बच्चा का सुख मिले। परमेश्वर हमें एक बच्चे के द्वारा आशीषित करे, ब्लेस करे। इस उम्र में जब ये लोग बूढ़ा हो गए, इस उम्र में इन्हें एक बच्चा मिला, तो उनसे उस बच्चे से सोच करके देखिए अब्राहम और सारा कितना ज्यादा प्यार करता, कितना ज्यादा लगाव इस बच्चे के प्रति था, है ना? लेकिन एक दिन फिर से परमेश्वर आकर के अब्राहम से कहता है कि ये बच्चा मुझे मेरे लिए तू बलिदान दे दे। अब्राहम के लिए सब कुछ क्या था? ये बच्चा ही था, ये उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था क्योंकि ये एक लौता है। और अगर परमेश्वर आकर के अचानक से उससे उसका सब कुछ मांग ले, सेक्रीफाइस करने के लिए कहे, अपने हाथों से अपने बेटे को बलिदान करने के लिए कहे, तो ये कितना ज्यादा उसके लिए चैलेंज है, सोच करके देखिए उसको कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा। जिस रात को परमेश्वर ने उससे कहा यह बात, उस रात को शायद वो सो भी नहीं पाया होगा। वचन कहता है कि वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एकदम जल्दी उठ जाता है वो, और वो बच्चे को लेकर के जाता है कि परमेश्वर ने जहां कहा उस जगह वो लेकर के जाता है बच्चे को। लेकिन उसके दिल में क्या बीत रहा था, क्या आपने कभी सोचा है? कुछ लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि ईश्वर अमर बाबा के नहीं नहीं लो, कुछ लोग कहते कि ईश्वर अमर माँ के नहीं नहीं लो, ईश्वर अमर एकमात्र संतान छिलो, अमर एकमात्र संतान के ईश्वर नहीं नहीं लो, आमी ईश्वर तीश्वर मानी ना। आपका औकात क्या है परमेश्वर से इस तरह से बात करने के लिए? क्या वो बच्चा, क्या आपने उस बच्चे को सृष्टि किया है? इस दुनिया में कौन सा चीज है बताइए जिसके ऊपर आपका अधिकार है? कौन सा एक भी चीज बताइए, एक तो जिनिस जेटा तुम्हार तबु तो अमर अमर पूरी तैर ना तबु जमी जाएगा नहीं लड़ाई तबु झगड़ा झमेला कुछ भी आपका नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हम नंगे हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हमारा कुछ भी नहीं है। देखिए अब्राहम के पास जो भी था वो परमेश्वर के बदौलत ही, और ये बात अब्राहम बहुत अच्छे से जानता था कि आज अगर ये बच्चा मेरे पास है जिसके साथ मैं खेल रहा हूं, जिसके साथ मैंने अपने बुढ़ापा में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, जिस बच्चे का सुख मैं इस उम्र में ले रहा हूं, परमेश्वर ने ही दिया है, और अगर परमेश्वर लेता है तो कोई बात नहीं। मानो इसका भी रवैया, इसका भी सोच, इसका भी जुनून अय्यूब की तरह था। जब अय्यूब के पास से उसका सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ जब चला जाता है, उसने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही लिया है। आप और हम ऐसा कहें आइए कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही लिया है। किसी बात का अहंकार ना करे, किसी चीज को मतलब इस तरह के से पकड़ के मत रखे कि नहीं ये मेरा है, इटा अमर,
सब कुछ परमेश्वर का है, और अगर परमेश्वर आपसे कुछ मांगता है तो दे दीजिए। 2013 साले মানে বিকেলে বিকেলে বিকেলের সময় একটা ঘটনা ঘটে, আকাশ হঠাৎ করে একদম পুরো এই অরেঞ্জ কালার হয়ে যায়, আর বৃষ্টি না পড়ে এত বড় বড় হ্যাঁ পাথর পড়তে শুরু, বরফ পড়তে শুরু। এবারে আমার বাড়ি ছিল অ্যাডভেস্টারের বাড়ি, হ্যাঁ এখনো আছে, আর সেই আমরা জাস্ট বাড়ি বানিয়েছি, সেই সবে আমরা বাড়ি বানিয়েছি, দুটো রুম কোনো উপায়ে, বাবা চা পাতার দোকানে কাজ করে, কোনো উপায়ে দুটো রুম শুধু বানিয়েছি, আর সেই বিকেলে এত বড় বড় পাথর পড়ছে আমার ঘর, আমার দুটো ঘরেরই ছাদ পুরো একেবারে শূন্য হয়ে গেল, আমরা আকাশ দেখতে পাচ্ছি, আমার মা ভাই বোন সবাই পালঙ্গের তলায় লুকিয়ে আছে, কেননা এত বড় বড় পাথর পড়ছে, সবাই আশেপাশের লোক সবাই কাঁদছে, হ্যাঁ না, আমার মা বাবা হাও মাও করে কাঁদছে, আমাকে এসে বলছে দেখ না বাবা কি হয়ে গেল আমাদের সব চলে গেল, মানে হাস রাতার সময় মানে ধন্যবাদ দিয়া মেরে পরমেশ্বর কো উস সময় কি তুনে মুঝে দিয়া হ্যায় আর তুনে হি মেরা লে লিয়া প্রভু ধন্যবাদ হো তেরা, তুমি দিয়েছ আর তুমি নিলে, আর তারপরে তারপরে ঈশ্বর আমাদের আটকে থাকা যাওয়া মানে যে কাজগুলো আটকে গেছিল বাড়ির সেগুলোকেও পুরো এগিয়ে দিল, ঘর একেবারে সুন্দর তৈরি করে দিল, বারান্দা তৈরি হয়ে গেল, বারান্দা তৈরি হয়ে গেল, আরো অনেক কিছু ঈশ্বরের দয়াতে আমাদের কাছে চলে এসছে। কি বুঝছো? জিসনে দিয়া হ্যায় উসকা অধিকার হ্যায় কি ও তুমসে ले सकता है, उसके लिए तैयार रहो, प्रश्न मत करो, उसको पकड़ के मत रखो कि ये मेरा है, इटा आमार, ए जोमीटा, ए टाका गुलो सब आमार, ए बैंक बैलेंस आमार, आमी देवो ना दान, आमी देवो ना दशमांश, आमी ऑफरिंग देवो ना, आमी ईश्वरेर काजे देवो ना, आमार समय ईश्वर के देवो ना, আমার জীবন ঈশ্বরকে দেব না, আমার সন্তানদেরকেও টিউশনে পাঠাবো কিন্তু চার্চে পাঠাবো না, এসা মত করো, পরমেশ্বর নে জো কুছ তুমে দিয়া হ্যায় উসকে লিয়ে দো, বি রেডি উসকে লিয়ে তৈয়ার রহো, পরমেশ্বর জব ভি আপসে কুছ মাঙ্গতে হ্যায় তো উসকো দেনে কে লিয়ে তৈয়ার রহো, রেডি রহো, জেসে আব্রাহাম তৈয়ার থা, जैसे अय्यूब तैयार था उसी तरह से तैयार रहो, अपना सब कुछ जिसे तुम अपना कहते हो उसे परमेश्वर के लिए लुटाने के। तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि तू अपने संतान को लेकर के कहां जा? मोरिया। ये मोरिया एक्चुअली कौन सा जगह है पता है? परमेश्वर ने मोरिया जाने के लिए क्यों कहा? সেই সময় ওল্ড টেস্টামেন্ট মে পুরানে নিয়মে জিস জগহ কো মোরিয়া কাহা জাতা থা, ইন মডার্ন ডেজ আজ কে জমানে মে আজ কে সময় মে উস জগহ কো ইয়েরুশালেম কাহা জাতা হ্যায়। কি আপ সমঝ পা রহে? পরমেশ্বর একচুয়ালি ক্যা চাহ রহে থে কি তেরে বেটে কা বলিদান তু কাহা করেগা? ইয়েরুশালেম মে করেগা, পবিত্র স্থান মে, যে পরমেশ্বর কা যোজনা থা। তো মোরিয়া ये कैसे यरूशलेम बना पता है? इस घटना के अंत में अब्राहम ने इस जगह का एक नाम रखा, येरे, प्रधान पुरोहित जार नाम होच्छे शेम, एक हाई प्रीस्ट बा एकजन प्रधान पुरोहित बा जाजक तिनि की करेन आरेकटा नाम दिएछिलेन सेटा होच्छे शालेम। তো আব্রাহাম কি নাম রেখেছিল? ইয়েরে। আর শেম নামের যে প্রধান যে পুরোহিত সে কি নাম রেখেছিল? শালেম। তো ইয়ে দোনো ওয়ার্ড আপস মে মিল করকে ইয়েরে আর শালেম মিল করকে ক্যা হো জাতা হ্যায়? ইয়েরে শালেম, আর জিসে হাম লোগ ক্যা কেহতে হ্যায়? জেরুশালেম। মোরিয়া কা নাম ক্যা হো গ্যা? ইয়েরুশালেম বান গ্যা। तो परमेश्वर क्या चाहता था कि बलिदान कहां होगा?
यरूशलेम में। और पता है ये वही जगह है मोरिया, जिस जगह में जिस जगह के आसपास में ही सुलेमान ने क्या किया था, पवित्र मंदिर का स्थापना किया था। एक और रहस्य है कि ये वही जगह है जिस जगह में आसपास में यीशु मसीह का क्या हुआ था, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। अब खुल रहा है सब कुछ, रहस्य आपको पता चल रहा है कि परमेश्वर ने क्यों कहा मोरिया में जाकर के अपने बेटे का बलिदान दो, क्योंकि ये जगह पवित्र जगह है, इसी जगह पे मंदिर बनने वाला था और इसी जगह में यीशु मसीह का बलिदान होने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम इसहाक को मोरिया में लेकर के जाओ और वहां पे बलिदान दो। आइए आगे बढ़ते हैं। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यस, यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम रात को परमेश्वर के साथ बातचीत होता है और सुबह उठ करके वो क्या होता है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसके लिए अब्राहम सुबह उठ के तैयारी करता है और वो निकल पड़ता है। आप होते तो क्या करते, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ टास्क दिया है, आपको अगर कुछ काम दिया है तो आप क्या करते, आप सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, आईने में दो चार बार अपने आप को देखेंगे, बार बार बाल ठीक करेंगे, नहाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, नहीं ये वाला शर्ट अच्छा नहीं लग रहा ये पहन लेते हैं, ये साड़ी अच्छा नहीं लग रहा वो पहन लेते हैं, और क्या होता है फिर चर्चे पहुंचाते पहुंचाते की हो गए गान शेष और प्रचार माझखने डूब छो है तो एरम नहीं की। लेकिन अब्राहम के लिए परमेश्वर का बात वही लास्ट होता था, जो परमेश्वर ने एक बार कह दिया उसे वो किसी भी हद तक जा सकता था उस बात को, उस बात का पालन करने के लिए। क्या हम में इतना ज्यादा जुनून है, क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन करके तैयारी लेते हैं परमेश्वर के लिए, क्या आप तैयार होकर के आते हैं इस तरह से कि आज 6:30 बजे मुझे एक सहभागिता में जाना है, वहां पे हम परमेश्वर के सहभागिता में जाएंगे। ये बुलाहट है परमेश्वर का, प्रभु चाहते हैं कि जैसे फर्स्ट सेंचुरी में कलीसिया क्या करते थे, वो प्रेरितों का काम उसका 2:42 में लिखा है कि जितने भी नए विश्वासी थे, जितने भी वहां पे विश्वासी थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग डेली प्रार्थना करते थे, वो सहभागिता करते थे, वो प्रभु भोज लेते थे, वो लोग प्रेरित के शिक्षाओं से बड़ा होते थे, मतलब प्रेरितों के शिक्षाओं को लेते थे। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए जैसे अब्राहम तैयारी किया, क्या हम इसी तैयारी के साथ आते हैं उसके काम के लिए, उसके सहभागिता के लिए, उसके निकट हम इतना ही तैयारी लेकर के आते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि अब्राहम जो कि परमेश्वर के लिए तैयारी कर रहा था कि उसे अपने बेटे का बलिदान देना है, वो सुबह उठ करके सब कुछ लिया और वो निकल पड़ा, वो लेट नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर की आवाज को, उसके आज्ञाओं को सुन, परमेश्वर की आज्ञाओं का सुनना ही उसके लिए पहला प्रथम प्रायोरिटी प्राथमिकता था। क्या आपके लिए है? तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम ने अपने दो सेवकों को लिया और वो चल पड़ा और मोरिया में पहुंच करके वो, तो अब्राहम अपने सेवकों से कहते है कि तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं और मेरा बच्चा, हम लोग दोनों ऊपर जाएंगे और हिंदी पे लिखा है, हिंदी में लिखा है दंडवत करके आएंगे, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, आराधना करके आएंगे, वी विल वर्शिप, हम आराधना करके आएंगे वहां से। अब्राहम के पास गिटार था नहीं? था
ड्रम था नहीं था, फ्लूट था, कीबोर्ड था, डफली था, कुछ भी नहीं था। क्या अब्राहम ने गाना गाया था वहां जाकर के? नहीं गाया। इसका अर्थ क्या है? आराधना विदाउट इंस्ट्रूमेंट, যত বাদ্যযন্ত্র আছে সেগুলোর বিনাও বা গান গান ছাড়াও আরাধনা হয়। যে আব্রাহাম নে কিয়া থা বাইবেল মে সবসে পহলে ইসি জগহ মে ইস শব্দ কা ইস্তেমাল কিয়া গয়া হ্যায়। অর ইয়াহা পে হাম না হি কিসি ভি ইনস্ট্রুমেন্ট কো দেখ সকতে হ্যায়, না গিটার না কিছু দেখতে পাবো, কোনো বাদ্যযন্ত্র নেই গানে, অর না হি ইয়াহা পে গানা গানে কে বারে মে দিয়া হুয়া হ্যায়। अब्राहम ने अपने दासों को कहा कि मुझे कुछ पल के लिए अकेले छोड़ दो, मेरे परमेश्वर के साथ उसके पर्वत में, उसके उपस्थिति में, मैं अपने सबसे बेस्ट चीज को उसके उपस्थिति में, उसके पर्वत में, उसके पवित्र स्थान में बलिदान देने के लिए मैं आया हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। और यही समय जब आप अपने सबसे उत्तम और बेस्ट चीज को परमेश्वर के चरणों में, आप उसके उपस्थिति में सौंपने के लिए आते हैं, वही आराधना है। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यस, अब यहाँ पे जो लेसन है वो ये है कि अब्राहम परमेश्वर से बहुत ज्यादा, वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था बहुत ज्यादा। और हम क्या करते हैं? बेवकूफ जैसा मनुष्य के ऊपर भरोसा करते है ना देवी, मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं हम, और इसी वजह से हमारा दिल टूटता है। बाइबल हमें बताती है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन धन्य है वे व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा करता है। और अब्राहम धन्य इसी वजह से था क्योंकि वो अपने जर्नी, उसका जो आत्मिक यात्रा था, जो जर्नी था, उसके शुरुआत से लेकर अंत तक वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। देखिए, शुरुआत में ही अब्राहम से परमेश्वर ने कुछ कहा था। आइए हम देखते हैं 12 अध्याय का 2 पद से 2 और 3 पद। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान कर दूंगा और तू आशीष का मूल होगा सब जातियों के लिए। इज़राइल का तू ही मूल है। हाँ, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा जो तुझे कोसे जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और अब्राहम के कान में जब ये शब्द घुस गए परमेश्वर का, बस उसने लॉक कर लिया सब। उसके बाद से वो भुला ही नहीं कि परमेश्वर ने उसे क्या वादा किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तेरे ऊपर उंगली उठाएगा उसका उंगली तोड़ दूंगा मैं, जो तुझे आग दिखाएगा मैं उससे बदला लूंगा, तू सब तेरे जातियों का मूल तू बनेगा, मैं तुझे सब जातियों के लिए क्या करूंगा, आशीष का कारण बनाऊंगा। और अब्राहम हमारी तरह नहीं था कि मनुष्य के या फिर लोगों के
चिकनी चुपड़ी बातों में वो विश्वास कर ले। इसी वजह से अब्राहम ने बहुत ज्यादा परमेश्वर के आशीष का लाभ उठाया, और हम परमेश्वर के आशीष का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जे जा बोलचे तार कथाय गिये आमरा कि करछि विश्वास करछि तार पिछने चलछि हाँटछि। মানুষের কথায় আমরা বেশি বিশ্বাস করি, মানুষের কথায় বেশি ভরসা। একবার ধোকা খেলেও কি হয়, পরবর্তী সময় আবার গিয়ে সেম ভুলটা। একবার ভরসা টুটনে কে বাদ দূসরা বার ক্যা করতে হ্যায়, ওই কাম জা করকে করতে হ্যায়। লেকিন পরমেশ্বর কে উপর মে মানুষ ভরসা নহীঁ করনা চলতা, পতা নহীঁ ক্যু ক্যা দুশ্মনী হ্যায় পরমেশ্বর কে সাথ। इसीलिए उसने अपने बच्चे से कहा कि डोंट वरी, परमेश्वर ने कहा तो है तुझे बलिदान देने के लिए, मैं करूंगा भी, लेकिन मेरे दिल में मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर निश्चित रूप से कुछ उपाय करेंगे। उसको बहुत भरोसा था परमेश्वर के प्रति। क्या आपको भरोसा है? कोरोना के समय में क्या आपका भरोसा था परमेश्वर के प्रति, या फिर टूट गया, या फिर सबसे ज्यादा आप वैक्सीन के ऊपर में रिलाय करते थे कि नहीं नीले की हो वो भेजे या वो। मेरा भरोसा मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि कोई महामारी तेरे निकट नहीं आए। जो व्यक्ति उस परमेश्वर के प्रति भरोसा करता है उसका भरोसा कभी भी नहीं टूटेगा। আমাদের পাস্টার আছেন একজন এখানে শ্যামল আঙ্কেল, পাস্টার শ্যামল এবং তার মিসেস, তাদের দুজনের করোনা হয়ে গেছিল। শ্যামল আচার্য জি, না দুঃখের বিষয় খ্রিস্টান সমাজদের জন্য যে কেউ যাচ্ছে না তাদেরকে হেল্প করার জন্য, আর যদিও কেউ যাচ্ছে তো দরজা থেকে ঠেলে দিচ্ছে মালপত্রগুলো। मुझे तो लगता ही नहीं कि क्रिश्चियन दर ईश्वर जीवन तो ईश्वर बोले। जब परमेश्वर ऊपर से देखते हैं हमारे इन हरकतों को, उन्हें भी शर्म आता होगा। एक बहन ने मुझे बताया कि भैया हम भाई ऐसा ऐसा बात है, हमारे ठीक है कोई बात नहीं, आप रेडी करो जो जो चीज है आप देना चाहते हैं, हम भी इधर से कोशिश करते हैं। हम लोगों ने परमेश्वर के दया से कोशिश किया, हमारे द्वारा जितना भी हुआ। तो मैं उनके घर में गया, खटखटा बोला, दरवाजा खुला, अरे अरे सुना सुना हमारे, और हम ले अरे खुलो ना दरवाजा, ईश्वर वाक्य बोले कोनो महामारी तो हमारे तांबू निकट आसबे ना, होग हमार कोरोना देखी कत होच्छे, कोई बेचे तो आछे मूल्यम ना। भरोसा परमेश्वर के ऊपर जब होगा ना, तो आप किसी भी हद को आप क्रॉस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपको भरोसा उस परमेश्वर के प्रति है, जब आपका भरोसा यीशु मसीह के प्रति है, तो आप पानी के ऊपर चल सकते हैं। जब आपका भरोसा परमेश्वर के प्रति है, तब आप आग में चल सकते हैं। जब आपका भरोसा परमेश्वर के प्रति है, तो आप दानियल के तरह सिंगेर गर्तों फेसे दाखले की होबे ना, सिंगो तुम्हाके छूते पारबे ना, केनोना तुम्ही भरोसा करो जे देयर इज समवन विथ यू, कोई है तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। बाइबल बोले सदा प्रभु दूत जारा ताके भय करे, तादे चारिदिके शिविर स्थापन करे, ओ तादियो के उद्धार करे। क्या भरोसा करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर? क्या भरोसा करते हैं अब्राहम की तरह? क्या भरोसा करते हैं दाऊद की तरह? क्या भरोसा करते हैं दानियल की तरह? क्या भरोसा करते हैं पतरस की तरह? अब्राहम भरोसा करता था, और यही भरोसा उसे इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, आप सभी हदों को क्रॉस कर सकते, आप सभी बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकते। तब क्या होता है, अब अब्राहम अपने बेटे को मारने ही वाला है। उसी समय स्वर्ग दूतों ने क्या कहा कि हाथ मत उठा, हमें पता चल गया है कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है।
तू परमेश्वर से डरता है, तू एग्जाम में पास हो चुका है, जो परीक्षा में ले रहा था उस एग्जाम में तू पास हो चुका है। अब्राहम, तूने जो सबसे बेस्ट चीज मेरे लिए दिया है, इसी कारण आज मैं क्या कर रहा हूं, तुझे क्या कर रहा हूं, एक मेंढा दे रहा हूं। तो क्या एकटा राम बा भेड़ा दिच्छी आमी बलिदान देवार जन्नो। तो तुम्हार सन्तान के बलिदान दीते होबे ना, ए भेड़ाटा जेटा झोपेर मध्ये आछे सेटाके की करो, बलिदान दाओ। अब्राहम ने दिया था और इसी वजह से परमेश्वर ने भी क्या किया, उसको दाओ ताहले तुम्हाके देवा जाएबे। क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला काम कर रहा है? अब्राहम को इसी कारण ये आशीष मिला क्योंकि उसने अपना एक लौता, अपना बेस्ट, अपना सब कुछ उसने परमेश्वर के लिए दे दिया, इसी वजह से उसको मिला ये आशीष। इसीलिए वो विश्वासियों का पिता बन गया, ये आशीष उसको मिला क्योंकि उसने दिया। क्या हम देते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए? आप कितना देते हैं? अगर आप नहीं देते हैं, आप दीजिए। परमेश्वर के आशीष को लेना चाहते हैं, आप दीजिए। होने के भावचो तुमरा जे दिले तो खाली हुए जाए, तै तो क्या जगत तो एटाई शेखाय, किंतु ईश्वरेर प्रिंसिपल सब समय जगतेर थेके आलादा। तुमि दिले आशीर्वाद पाबे। जब आप अब्राहम की तरह अपना बेस्ट आप देंगे परमेश्वर के काम के लिए, तब परमेश्वर भी आपको क्या करेगा, आशीष देगा। परमेश्वर के लिए दीजिए अपना समय, अपना पैसा, अपना जिंदगी, जिसे आप अपना कहते वो परमेश्वर के लिए दीजिए। परमेश्वर अय्यूब की तरह आपको दो गुना, तीन गुना, चार गुना को वापस करेगा, आपको बहुत देगा वो, जिसे आप रख नहीं सकते। इसलिए दीजिए मेरे प्रियो। जखन आमाके एक टाका पेतम, जखन आमि पंचाश पैसा पेतम, तखन थेके आमि शिखेछि एगुलो देवा, ईश्वरके देवा। तुमि भावछो जेदिन आमार दस टाका हबे, जेदिन आमार एकशो टाका हबे, सेई दिन आमि देबो, ओई दिनटा आसबे ना कोनोदिन। ठीक आछे? तो अगर आप परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगा। उसने कहा है कि तुम मुझे परख कर देखो। आप परख कर देख सकते हैं, ये मेरा वचन नहीं है, ये उस परमेश्वर का वचन है। आप उसे परख कर देखिए, दे करके, और वो आपको बहुत आयत से आशीष देगा। अब्राहम ने अपना बेस्ट दिया था परमेश्वर के लिए, अपना समय, अपना जीवन, अपना एक लौता पुत्र। उसने किसी भी चीज को अपना नहीं समझा, किसी भी चीज को उसने महत्व नहीं दिया, उसने परमेश्वर के लिए सब चीजों को क्या कर दिया, परमेश्वर के चरणों में निछावर दे दिया। परमेश्वर के काम के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सेवा के लिए, उसके आज्ञाओं का पालन करने के लिए, और इसी वजह से उसको विश्वासियों का पिता बना दिया गया। इसी वजह से परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़ा आशीषित जाति निकाला, जिस जाति का नाम है इज़राइल। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।